हेलो डेवलपर्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टैग डेवलपर्स हिंदी में आज हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे डोटनेट फ्रेमवर्क के बारे में डोटनेट फ्रेमवर्क क्या होता है क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या क्या फ़ीचर्स हमें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमें इसको अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए चूज़ करना चाहिए तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेट फ्रेमवर्क डोटनेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जैसे कि कंसोल एप्लीकेशंस विंडोज़ एप्लीकेशंस वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशंस और भी बहुत टाइप्स की एप्लीकेशंस को हम डोटनेट फ्रेमवर्क के थ्रू डेवलप कर सकते हैं इसका पहला वर्जन वन पॉइंट ज़ीरो था जो दो हज़ार दो में आया था तो ये इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि डोटने फ्रेमवर्क क्या करता है डोटनाट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं अलग अलग तरीके की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं इसके लिए तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन हमारी डोटना फ्रेमवर्क की है आगे हम आते हैं डोटने फ्रेमवर्क हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इसके क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं वैसे तो डोटना फ्रेमवर्क अपने में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सारे एक वीडियोज में सब कॉन्सेप्ट बनाना बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जो बेसिक हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में वो मैंने यहाँ पे थोड़े से डिस्कस किए हैं आप देख सकते हैं तो पहला है डॉट नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इेबल्ड टेक्नोलॉजी मीन्स नेट की फुल फॉर्म क्या है नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी दूसरा इजी डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन किसी भी टाइप की एप्लीकेशन चाहे वो विंडोज है कंसोल है मोबाइल है या वेब है किसी भी तरह की एप्लीकेशन को हम आसानी से डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू डेवलप कर सकते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट हमें विद इन द टाइम सिक्स मंथ और वन ईयर में कंप्लीट करके देना है तो नेट फ्रेमवर्क हमें रिच फैसिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसके हम आसानी से विद इन द टाइम अपनी किसी भी टाइप की एप्लीकेशंस को डेवलप करके क्लाइंट को है, हैंड ओवर कर सकते हैं चौथा आता है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट हम डोट फ्रेमवर्क में किसी भी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है किस हाँ ये कि डोटने फ्रेमवर्क हमें काफ़ी टाइप की लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जैसे कि सी शार्प एफ शार्प जे एस आर बिजुअल बेसिक डोटनेट तो किसी भी लैंग्वेज को हम यूज चूज करके अपनी अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट फिफ्थ है तो ये हमारा एक अपना खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये हमें सिक्योरिटी रिजिबिलिटी मेन्टेनेबिलिटी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसको हम डिटेल्स में आगे की वीडियोज में कवर करेंगे लूजली कपलिंग एंड एक्सटेंसिबल आर्किटेक्चर ये डोटने फ्रेमवर्क का जो लूजली कपलिंग आर्किटेक्चर होता है और दूसरा एक्सटेंसिबल आर्किटेक्चर अगर हमारे प्रोजेक्ट में अपने आर्किटेक्चर को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो वो इजीली हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं सेवन रिच ईजी एंड रिच डीबिंग सपोर्ट जब हम अपने कोड को डिबक करते हैं तो हमें डिबकिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन से कॉन्सेप्ट और बेहतरीन डिबगिंग मिलते हैं जिसके हम आसानी से अपने कोड को डिबक कर सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी उपस कॉन्सेप्ट के थ्रू और सी के थ्रू जो है हम काफ़ी तरी मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं तो ये कुछ बेसिक नेट के फीचर्स हैं जो पता होने चाहिए हमें और अब हम आते हैं नेट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर पर तो नेट फ्रेमवर्क का जो आर्किटेक्चर है मेनली चार पार्ट्स चार कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है पहला है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सी एल आर दूसरा फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी तीसरा कोड लैंग्वेजेस विंडोज फॉर्म एसपी नेट ये काफ़ी चीज़ें हैं और चौथा है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी शर वेबसाइट विजुअल बेसिक बी नेट आप ये एक बेस छोटा सा इसका एक आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो जो एक एक हमारे नेट फ्रेमवर्क का है तो इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस दे रखी हैं सी एल आर है एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म्स वेब सर्विसेज वेब ए पी आई ये सब इसी का पार्ट होते हैं ए डी डॉट नेट एन फ्रेमवर्क लिंक यू डेटा बेस्ट कम्युनिकेट कम्युनिकेशन के लिए इस तो ये हमारा एक सिंपल सा इमेज है जो हमें दिखाता है कि क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फीचर्स uh, हमें मिलते हैं डोट नेट फ्रेम फ्रेमवर्क में अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो पहला है हमारा सी एल आर तो सी क्या करता है तो पहला है जो हमारा मेन पर्पज़ है जो मेन काम करता है सी जो भी हम नेट में प्रोग्रामिंग करते हैं उसको लोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है सी एल आर और भी काफ़ी सारे काम करता है ये हमारा क्या करता है जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है मेमोरी मैनेजमेंट होता है गार्बेज कलेक्शंस होता है सी एल आर का बहुत यूज होता है इंटरनली जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं दूसरा है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या करता है जब हम अपना कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो एप्लीकेशन डेवलप करते टाइम हमें क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है इंटरफेसिस की टाइप्स जैसे कि इंटीजर फ्लोट या स्ट्रिंग या, या इंटर या और भी का नेम इस्पेसिस जैसे कि सिस्टम डॉट डेटा सिस्टम डोट आईओ तो ये सब चीज़ें हमें फ्रेमवर्क क्लासेस लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है जो कि खुद में एक डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है दूसरा रहता है हमारा कोल्ड लैंग्वेजेस कोल्ड लैंग्वेजेस क्या है डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है जो क्या करता है आपको एप्लीकेशन किस टाइप की बनानी है मतलब एस पी नेट वेब फॉर्म से बनाना है विंडो फॉर्म से बनानी है वेब ए बनाना है एम में बनाना है तो ये सारे के सारे टूल्स आपको डोटनेट पेम पर प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ में आपको ये भी प्रोवाइड करेगा कि आप इस इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए किस टाइप का कम्युनिकेशन डेटाबेस के थ्रू करना चाहते हो ए डी डॉट ए डी ओ नेट के थ्रू करना चाहते हो लिंक्यू के थ्रू करना चाहते हो एंड एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें हमें कोड लैंग्वेज में मिलती हैं जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है चौथा है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि हम कोई भी कोई भी एप्लीकेशन किसी भी कोई भी एप्लीकेशन तो हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बना सकते हैं अगर हमें एस पी डो एस पी डोटनेट बनाना है तो हम उसके लिए शीशार पर ही डिपेंड नहीं है हम उसके लिए एफ भी यूज़ कर सकते हैं विजुअल बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं तो मीन्स नेट फ्रेमवर्क हमें रिच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपनी लैंग्वेज को चूज़ करने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज को जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है चूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अब हम डिस्कस करते हैं अब तक कितने वर्जन कितने वर्जन हमारे डोटने फ्रेम फ्रेमवर्क के आ चुके हैं तो पहला वर्जन जैसा अभी मैंने बताया था पहला वर्जन हमारा वन पॉइंट जीरो है जो दो हज़ार दो में आया था विजुअल स्टूडियो दो हज़ार दो के बारे में दो हज़ार दो में विजुअल स्टूडियो क्या होता है विजुअल स्टूडियो एक एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है तो ये अभी तक इतने वर्जन आ चुके हैं और अभी इसका जो तो लेटेस्ट वर्जन है वो फोर पॉइंट एट है जो अभी अप्रैल टू थाउजेंड दो हज़ार उन्नीस में दो 2019 के साथ लॉन्च हुआ था तो ये हमारा कुछ डोटनेट फ्रेमवर्क वर्जन है तो इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि डोटनेट फ्रेमवर्क हमारा क्या होता है डोटनेट फ्रेमवर्क के क्या क्या फीचर्स होते हैं क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है कि हम सी एल आर क्या करता है एफ सी एल का क्या रोल होता है कोल लैंग्वेज में क्या क्या हम किस तरीके की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज़ कर सकते हैं तो ये सब डॉट नेट फ्रेमवर्क में आता है और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी अगर आपको इशू लगता हो या कोई भी डाउट्स हो तो वह आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया धन्यवाद और आगे आगे जल्दी ही एक नई वीडियो आपको मिलेगी आज मिलते हैं